So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं. जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था सीलेंट ट्रेड्स के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे. आज हमारा क्या होगा, सीलेंट ट्रेड्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे अलोंग विद एनसीईआरटी और हम लोग तीनों फोड़ा का भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, है ना. तो हेडिंग तो आपको ऑलरेडी लग चुका है. जिन स्टूडेंट्स को सीलेंट ट्रेड का प्रीवियस वीडियो नहीं मिला है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेकआउट कर देना. हेडिंग लगा है फाइलिंग सीलेंट ट्रेड, जिसका दूसरा नाम क्या है, निडेरिया है. मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ाई थी उसका एक क्विक रिकैप करा देती हूँ ताकि हमारा रिदम जो है बना रहे, है ना. पहली बात तो मैंने आपको ये बताया था कि निडेरिया नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनके पास होता है नीडोसाइट सेल्स. इन सेल्स के बारे में हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, आज के लेक्चर में वो भी कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद मैं आपको बताई थी इनके हैबिटेट के बारे में, ये कहाँ रहते हैं. तो ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मतलब मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं. अब इन पे आते हैं, ये सेसाइल होते हैं कि फ्री मूविंग होते हैं. तो ये सेसाइल भी हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म सेसाइल होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म स्विम करते हैं अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ वाटर करेंट, है ना. इतनी चीजें आपको क्लियर है. अब आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर. तो इनका 8 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, चलिए उसके रिकैप करते हैं. पहला था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसा था, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, है ना. उसके बाद आते हैं जर्म लेयर्स, तो जर्म लेयर्स कैसा था, डिप्लोब्लास्टिक था. सीलोम, तो ये तो एसीलोमेट था. उसके बाद आते हैं सिमेट्री, तो ये कैसा सिमेट्री था, रेडियल सिमेट्री था. सब कुछ क्लियर हो रहा है, रेडियल सिमेट्री क्या होता है ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा. इसके बाद आते हैं सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन तो था ही नहीं. नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड भी नहीं था. बॉडी प्लान कैसा था, तो बॉडी प्लान का ब्लाइंड साइड था, यानी कि सिर्फ एक ही ओपनिंग प्रेजेंट था जो कि इंजेक्शन या फिर जो एक ही ओपनिंग था जो कि फूड इनटेक भी कर सकते थे और एनस का भी काम भी सेम ओपनिंग से हो रहा था. इतनी चीजें क्लियर है ना, बॉडी प्लान. और लास्ट मैंने आपको हैबिटेट तो बता ही दिया. हैबिटेट ये कहाँ कहाँ रहते हैं, तो ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मरीन वाटर में भी रहते हैं. जनरली इनका हैबिटेट कैसा है, तो एक्वेटिक है. क्या बोलेंगे हैबिटेट में, कि दे आर एक्वेटिक एनिमल्स, दे आर मे बी सेसाइल और फ्री स्विमिंग भी ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जैसे बहाव पानी का होगा उसी डायरेक्शन में ये भी मूव करेंगे. इतनी चीजें क्लियर हो गई. इसके बाद मैं आपको बताई थी इनके जो बॉडी फॉर्म्स है सीलेंट ट्रेड की, ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं. एक आता है पॉलिप, एक आता है मेड्यूसा, क्लियर. अब पॉलिप क्या शो करता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है. इनका बॉडी कैसा दिखाई देता है, तो सिलिंड्रिकल बॉडी दिखाई देता है, क्लियर. इनके एग्जांपल्स क्या थे, तो इनके एग्जांपल्स थे हाइड्रा, अडम्सिया, क्लियर. ये कैसा रिप्रोडक्शन शो कर रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे थे, है ना. अब मेड्यूसा पे आते हैं, अभी तो सिर्फ हमारा रिकैप चल रहा है ना. मेड्यूसा पे आते हैं, मेड्यूसा का बॉडी कैसा था, अम्ब्रेला लाइक बॉडी था. एग्जांपल्स क्या था, जेलीफिश थे एग्जांपल्स. रिप्रोडक्शन कैसा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था. ये सेसाइल नहीं थे, ये फ्री स्विमिंग थे, ये मूविंग थे. लेकिन पॉलिप वाला कैसा था, सेसाइल था, यानी कि सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ था. तो इतनी चीजें डिफरेंशियल क्लियर है. अब मैंने एक चीज और बात की थी, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इसका क्या मतलब होता है, यानी कि मेटाजेनेसिस. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि कई ऐसे रीऑर्गेनिजम्स हैं जो पॉलिप से मेड्यूसा और मेड्यूसा से पॉलिप में कन्वर्ट होते रहते हैं, है ना. तो मैंने आपको बताया पॉलिप कैसा रिप्रोडक्शन शो करता है, एसेक्सुअल, एंड मेड्यूसा सेक्सुअल, क्लियर. तो पॉलिप से मेड्यूसा बनाना है तो एसेक्सुअल, और मेड्यूसा से पॉलिप बनाना है तो क्या होगा, सेक्सुअल. अब इसका एग्जाम्पल क्या था, फाइसिलिया, ओबेरिया, है ना. इतनी चीजें क्लियर हो गई. तो हमारा जितना भी लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा रखा था, सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें मैंने आपको बताई थी. अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो आज क्या पढ़ना है, पहले पढ़ना है, इसको मिटाते हैं. आज हमें पहले पढ़ना है कोरल्स क्या होते हैं, व्हाट आर कोरल, कोरल्स, कोरल्स नहीं बोलेंगे, कोरल्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे, कोरल्स. ये क्या होते हैं, तो कुछ मेंबर
पर पॉलिप के ऐसे होते हैं जो कि अपने बाहर कैल्सियम कार्बोनेट का सिक्रीशन करने लगते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है? कोरल्स। क्या बोलते हैं? कोरल्स। तो क्या लिखेंगे? सम मेंबर्स ऑफ पॉलिप स्टार्ट सिक्रीटिंग अ लेयर ऑफ कैल्सियम कार्बोनेट। कैल्सियम कार्बोनेट इन्हें क्या नाम देते हैं? कोरल्स। क्लियर हो गया इतनी चीजें? चलिए अब आते हैं इनके फिजियोलॉजी पे। जैसे हम लोग के अंदर फिजियोलॉजी होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, तो इनका भी सेम वैसा ही पढ़ते हैं हम लोग। क्लियर? चलिए तो आते हैं फिजियोलॉजी पे। देखो एनिमल किंगडम का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। एग्जाम्पल्स आप पूरे लेक्चर में याद करते जाना है ना। जैसे जैसे आप लेक्चर देखो वैसे वैसे एग्जाम्पल्स को याद करते जाना है। चलिए अब आते हैं फिजियोलॉजी में। ये हमारा रीकैप था। क्लियर? इसको वापस से नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में पहले आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डीएस का मतलब कोई नहीं पूछेगा कि डीएस का मतलब क्या होता है। डीएस का सिंपल मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? इनका डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों तरीके से हो सकता है, बोथ। मतलब यानी कि इंट्रा सेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। बोथ इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। इतनी भी किसी को डाउट है, कुछ भी डाउट है, प्लीज आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि हाँ ये चीज मुझे नहीं समझ में आई, ये लाइन मुझे नहीं समझ। इसके बाद आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। आरएस मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है इनका? तो इनके बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन हो जाता है। क्या लिखेंगे? जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है और एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है? तो कोई भी ऐसा पार्टिकुलर सिस्टम नहीं है कि यहाँ ये पार्टिकुलर सिस्टम सर्कुलेशन के लिए है या एक्सक्रीशन के लिए। एनसीईआरटी में नहीं दी गई है और नहीं होता है, इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। इसके बाद आते हैं नर्वस सिस्टम। एनएस मतलब क्या होता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसे पाया जाता है इसमें? तो पहली बारी फर्स्ट टाइम एपोलर न्यूरॉन्स देखा जाता है। अब अभी आपको समझ में ही नहीं आएगा कि पोलर न्यूरॉन्स क्या होता है, एपोलर न्यूरॉन्स क्या होता है, लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको बता भी नहीं सकती क्योंकि क्लास 11th के लास्ट टू लास्ट चैप्टर में हम लोग को न्यूरल कंट्रोल पढ़ाना है ना, पढ़ना है, उसी में जाके ये पता चलेगा। तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ नाम याद रखना है। फर्स्ट टाइम एपोलर न्यूरॉन्स एपियर। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिजियोलॉजी एक बार आंख बंद करना है, कॉपी को क्लोज करना है और मेरे साथ रिवाइज करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों प्रकार से हो सकता है, इंट्रा सेलुलर भी एक्स्ट्रा सेलुलर भी। रेस्पिरेटरी सिस्टम जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन हो जाएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम नॉट मेंशन, यानी कि कोई पार्टिकुलर सिस्टम ऐसा है कि नहीं। इसके बाद नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में एपोलर न्यूरॉन्स फर्स्ट टाइम स्पाइनल में देखे गए हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई? आपको क्या करना है, फटाफट इसको नोट डाउन करना है, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने आपको, जब मैं आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा रही थी उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि इनमें कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो आप यहाँ पे चाहो, ये तो अंडरस्टूड था बट आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो इनकम्प्लीट। अब देखो जनरली आप फाइलम आगे के पढ़ोगे तो उसमें रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, ये तीनों चीजें मेंशन है, हर एक फाइलम में मेंशन है ना। कोई एक गिना चुना फाइलम है जिसमें ये चीजें नहीं बताई गई, लेकिन मैं आपको क्या करूंगी, इस फाइलम का भी बता दूंगी। ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा, बोनस पॉइंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो मैं ये बताना प्रेफर करूंगी, है ना। तो आप इसके बारे में भी लिख लो। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो इसका याद करना इसीलिए इजी हो जाता है क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन भी बोथ था, फर्टिलाइजेशन भी बोथ होगा, डेवलपमेंट भी बोथ है। फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा? बोथ, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट दोनों। अब मुझे, मेरे से कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब, ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है ना। अब फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देखो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, या तो इंटरनली होगा या तो एक्सटर्नली होगा, क्लियर। लेकिन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है? बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट बोथ भी दे सकते हैं, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, क्लियर। अब एक चीज और बच जाती है, दैट इज रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसके बारे में लिख लेते हैं। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एक्स्ट्रा है ना, ये चीजें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। रिप्रोडक्शन कैसा है, तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सेक्सुअली भी हो सकते हैं और एसेक्सुअल भी हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, यानी कि ये यूनिसेक्सुअल भी होंगे और बाईसेक्सुअल भी हो सकते हैं। और क्या हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, मोनोसेक्सुअल क्या होता है, डायोसेक्सुअल क्या होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से चीजें समझाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो देख के आना, दैट इज फाइटोपोडिफिला, उसमें अच्छे से मैंने इस चीज को डिस्क्राइब करा है ना। तो हर लेक्चर में अब एक एक चीज को मैं डिस्क्राइब करूंगी तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो एक बार आप टर्म को समझते चलो और बाकी फाइलेंस को बस याद करते चलो, क्लियर। अब इसमें एग्जांपल्स बच रहे हैं और बॉडी के बारे में स्टडी करना है, तो हम लोग हाइड्रा का एग्जांपल लेके पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, क्लियर। इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे और फिर एग्जांपल्स देके इस फाइलम को कंप्लीट करेंगे। चलिए अब इसको मिटाते हैं और समझते हैं एग्जाम्पल से कि इनका बॉडी फॉर्म्स में और क्या क्या चीजें पाई जाती है। अब ये छोटा सा डायग्राम बनेगा, उसको अच्छे से समझना है। हम लोग किस चीज का डायग्राम बना रहे हैं? तो हाइड्रा का डायग्राम बना रहे हैं, है ना। जैसे हम लोग पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम पढ़े थे, एक मैंने डायग्राम बनाया था आपको समझाने के लिए कि ऑस्टिया से कैसे पानी एंटर करता है, फिर स्पॉन्जोसील में जाता है सेंट्रल स्पेस में, फिर ऑस्कुलम से कहाँ बाहर जाता है, ये चीजें समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाई थी। सेम वही चीजें मैं यहाँ पे भी रिपीट करूंगी, एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए मैं हाइड्रा का डायग्राम बनाऊंगी। आपको पता है सिलिंड्रिकल बॉडी होता है, मैंने आपको पता है कि किसको किस बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलिड में। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा। इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बनाया है, इसको बोलते हैं हाइपोस्टोम। हाइपो मतलब होता है बिलो, क्या होता है? बिलो, बिलो माउथ। तो अगर एक क्वेश्चन मुझे बताओ, अगर हाइपोस्टोम का मतलब है बिलो माउथ, तो माउथ कहां में प्रेजेंट होगा? तो आपको सीधी सारी मतलब से पता चलना है कि अगर हाइपोस्टोम मतलब बिलो माउथ, तो माउथ, तो ये जाहिर सी बात है माउथ इसके ऊपर ही प्रेजेंट होगा, है ना। तो ये क्या हो गया आपका माउथ। अब ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये इसके डायग्राम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए तो मैंने बनाया ही है ना, इसका भी एक चीजें है मतलब है सब कुछ का। इसका होता है मतलब टेंटिकल्स, ये क्या होता है? टेंटिकल्स होता है। अब
ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर क्या क्या है ये समझने वाली बात है, क्लियर? इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी। अब टेंटिकल्स के बारे में समझना है, इसके पास क्या होता है, दे हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स। इनके पास कुछ सेल्स होते हैं, दैट इज उसका नाम क्या है, नीडोसाइट सेल्स। साइट वर्ड जहां कहीं भी है, यानी कि उसका क्या मतलब है, सेल्स। तो इनके पास, टेंटिकल्स के पास कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उनको बोला जाता है नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स, जहां से इस फाइलम का एक और नाम आ गया नीडेलिया, है ना। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अभी आपको समझ में आया मतलब कि मैंने क्यों बोला था कि नीडेलिया बोला जाता है ना, क्योंकि टेंटिकल्स के पास कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नीडोब्लास्ट। उसके अंदर नीडोसाइट्स सेल्स होते हैं। अब इतने से काम नहीं चलता है, हाइड्रा है, इतने से काम नहीं चल रहा है, इसके पास और कुछ है, क्या है उसके बारे में समझते हैं। इनके पास होता है कैप्सूल्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैप्सूल्स। तो इनके पास टेंटिकल्स होता है, टेंटिकल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं नीडोब्लास्ट। उसके पास होता है नीडोसाइट सेल्स, और उस नीडोसाइट सेल्स के अंदर कैप्सूल्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, उसका नाम क्या होता है, नेमेटोसिस्ट। सिस्ट मतलब कैप्सूल्स। तो यहां पे स्टिंगिंग सेल्स जिसको आप नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स बोले, क्या बोले, नीडोसाइट्स। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे देखो, ये चीजें आपको दिख रहा है एक स्पाइन्स जैसी चीजें, इसको बोलते हैं थ्रेड नीडल्स। क्या बोलते हैं, थ्रेड नीडल्स। अब इसका क्या काम होता है, तो ये क्या करता है, ये पॉइजन को इंजेक्ट करता है। इट इज यूज्ड टू इंजेक्ट पॉइजन। देखो हमेशा ये चीजें नहीं खुली हुई होती है ना, स्टिंगिंग सेल्स हमेशा ओपन नहीं होता, जब यूज में होता है तो स्टिंगिंग सेल्स खुल जाता है पॉइजन इंजेक्ट करने के लिए, अगर नहीं यूज होता है तो ये आपको बंद कर देता है। इतनी चीजें, आई होप सो आपने इसको मेंशन कर लिया है, नोट डाउन कर लिया है, मैंने आपको बताया था इसको नोट डाउन करो। अब चलिए लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज सिर्फ और सिर्फ हम एग्जाम्पल्स का या उसको कवर करते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। टोटल 8 एग्जाम्पल्स है, हम लोग एक एक करके इसको याद करते चलेंगे, क्लियर? चलिए पहला आता है हाइड्रा, फ्रेश वाटर। अब आप लोग बताओ फ्रेश वाटर ये पॉलिप था कि मेड्यूसा था, पॉलिप था याद है, चलिए वेल एंड गुड। दूसरा आता है ओरेलिया, यानी कि जेलीफिश। क्या होता है, जेलीफिश। थर्ड आता है एडेंशिया। क्या होता है, एडेंशिया। फोर्थ होता है मेड्रीना, मेड्रीना यानी कि ब्रेन कोरल्स। इसके बाद आता है फाइसिलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। आपको कॉमन नेम भी याद करते चलना है, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है कॉमन नेम है, इसको भी याद करते जाना है, क्योंकि नीट में इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद आता है ओबेलिया, इसको क्या बोलते हैं, सीफर। उसके बाद आता है पेनेंटुला, इसको बोलते हैं सी पेन। क्या बोलते हैं, सी पेन।
अब लास्ट आता है दैट इज गर्गोनिया सी फैन. अडेंशिया को हमने लिखा सी एनिमोन. अब देखो आपको एक बार में एकदम निश्चित है, एक बार में याद नहीं होगा, इसके एग्जांपल्स एक बार में याद नहीं होंगे. अब आप मेरे साथ फाइलम पोरिफेरा का एग्जांपल याद करो, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला और साइकॉन. क्लियर? इसके एग्जांपल्स याद करो, हाइड्रा फ्रेश वाटर पॉलिप है, अडेंशिया सी एनिमोन, पेनिनसुला सी पैन, है ना, गर्गोनिया सी फैन. मेरे साथ बोलना है मेड्रीना ब्रेन कोरल्स, फाइसेरिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ऑरेलिया जेलीफिश. क्लियर? एक एक करके एक बार फिर से पढ़ते हैं. हाइड्रा फ्रेश वाटर पॉलिप, ऑरेलिया जेलीफिश, एडेंसिया सी एनिमोन, मेड्रीना ब्रेन कोरल्स, फाइसेरिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ओबेलिया सी फर, पेनिनसुला सी पैन और गर्गोनिया सी फैन. तो इतनी चीजें क्लियर हुए. अब हमारा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बच जाता है, उसको भी फटाफट निपटाते हैं. फिर नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं, फाइलम टीनोफोरा. सिलेंड्रेटा कंप्लीट हो गया, अब क्या आएगा, फाइलम टीनोफोरा. चलिए अब आपको एनसीईआरटी की बुक निकालनी है और ओपन करना है पेज नंबर 50. रीडिंग करते हैं, आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो कि मैंने आपको क्लास में डिस्कस नहीं कराया है ना. चलो फाइलम सिलेंड्रेटा जिसको निडेलिया भी बोलते हैं, दे आर एक्वेटिक मोस्टली मराइन, मरीन बोलो मराइन बोलो, ससाइल और फ्री स्विमिंग रेडियली सिमेट्रिक एनिमल. सिमेट्रिक ऐसा है, ससाइल है कि फ्री लिविंग है, ये सब चीजें क्लियर है यहाँ पे. द नेम निडेलिया इज डिराइव फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल्स विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स फॉर निमेटोसिस्ट. यहाँ पे निमेटोसाइट अगर एनसीईआरटी में दी गई है तो आपको उसको काट के निमेटोसिस्ट करना है, क्योंकि कैप्सूल का नाम क्या है, निमेटोसिस्ट. प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, टेंटिकल्स में प्रेजेंट होता है, एंड द बॉडी. नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे. मैंने तीन फंक्शन आपको बताया, डिफेंस, ऑफेंस एंड एंकरेज करना, डिफेंस करना, अटैक करना. क्लियर? चलिए निडेलियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम. एक ओपनिंग था सिर्फ, माउथ एक ही प्रेजेंट होता है और बीच की जो सेंट्रल स्पेस थी हाइपोस्टोम के जस्ट नीचे, उसको क्या नाम दिया था मैंने, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. इसके बाद आता है डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, दोनों टाइप से डाइजेशन हो सकते हैं. सम ऑफ द नीड एलियंस एग्जाम्पल कोरल्स हैव अ स्केलेटल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अब मैंने आपको इसमें बताया भी है कि कौन सा ऐसा बॉडी फॉर्म है जो कि कोरल्स के अलावा, कौन सा ऐसा मोस्टली जो होते हैं पॉलिप मेंबर्स जो होते हैं, जो पॉलिप को बिलोंग करते हैं, उनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट के लेयर सिक्रीट होते हैं, जिसको क्या नाम बोलते हैं, कोरल्स बोलते हैं. द फॉर्मर इज अ सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एडेंशिया. अब पॉलिप का शेप कैसा था, सिलिंड्रिकल था, उसके एग्जाम्पल्स कौन से थे, हाइड्रा था, एडेंशिया था, इतनी चीजें क्लियर है, आपको रटा हुआ होना चाहिए ना. चलिए वेयर एज द लैटर इज अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग लाइक ओरेलिया और जेलीफिश. ओरेलिया को आप जेलीफिश भी बोल सकते हो और ये फ्री स्विमिंग थी क्योंकि ये मेडुसा को बिलोंग कर रही थी, है ना. चलिए those nidelians which exhibit in both forms exhibit alternation of generation metagenesis. अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो दोनों लाइफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, पॉलिप मेडुसा, मेडुसा पॉलिप, तो उसको क्या बोला था मैंने, मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इसका एग्जाम्पल्स क्या था, फाइसेरिया, ओबेलिया, है ना, उसका कॉमन नेम भी याद करते जाना है आपको. इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल्स. अब सब कुछ हमारा ए टू जेड थिंग कंप्लीट था, कोई भी चीज आपको डाउट है यहाँ तक कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने लेक्चर के दौरान आपको एक एक पॉइंट आपको बताया है, कोई डाउट नहीं है. एग्जाम्पल्स कहते हैं, एग्जाम्पल्स में फाइसेरिया है पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, अडेंशिया सी एंड मून, पेनिनसुला सी पेन, गर्गोनिया सी फैन एंड मेड्रीना ब्रेन कोरल्स. इतनी एग्जाम्पल दी गई है. मैंने आपको हाइड्रा बताया है फ्रेश वाटर पॉलिप, मैंने आपको अडेंशिया बताया है, ओबेलिया बताया है ना, तो आपको ये चीजें याद
क्लियर। अब आपको इसमें क्या करना है, एग्जांपल्स के डायग्राम जो एनसीईआरटी में दी गई है उसको एकदम अच्छे से याद करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एनसीईआरटी में छोटा सा चुन्नू सा डायग्राम है तो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो इसमें पहले कौन सा डायग्राम दिया गया है, और इंडिया का, इसका मेडुसा फॉर्म को दिखाया गया है, और दूसरे में पॉलीफॉर्म दिखाया गया है एडमुशिया का। क्लियर, अच्छे से दिख रहा है आपको। ये डायग्राम को याद रखना है कि एडमुशिया कौन सा था और इंडिया कौन सा था। जस्ट एज लाइक आपको पोरीफेरस के भी डायग्राम्स याद होने चाहिए, तो हमारा पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा जिसको न्यूरिंगिया बोलते हैं वो पूरा कंप्लीट होता है एकदम, तो अच्छे से एक चीज मैंने आपको बता दी है। एक बार चलो कॉपी बुक बंद करो और मेरे साथ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करो। फाइलम पोरीफेरा का एग्जांपल कौन सा था, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला एंड साइक्रॉन। क्लियर, फाइलम पोरीफेरा क्लियर है। फाइलम सिलेंट्रेटा टिनोफोरा का कौन सा एग्जाम्पल था, एडेंशिया, ओरेलिया, हाइड्रा, उसके बाद पेनिनसुला, गर्गोनिया। क्लियर, ओबेलिया, फाइसिलिया, उसके बाद आता है मेड्रीना। क्लियर, तो मेरे सारे एग्जांपल्स नाम ले लिए। वैसे ही आपको पोरीफेरस के मेरे सात जनरल कैरेक्टर्स याद करना है। बताओ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था सेलुलर लेवल, सिमेट्री नहीं थी, सिगमेंटेशन नहीं था, रोटोकॉर्ड नहीं था, सिलोम नहीं था, सिलोम के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया, जॉबलर्स नहीं थे, है ना। हैबिटेट कैसा था ये आपको बताना है, क्या वो फ्री स्विमिंग थी या सुसाइड थी, सुसाइड थी। क्लियर, आपको पूरे उसके फिजियोलॉजी को याद रखना है, वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन याद होना चाहिए, डाइजेशन कैसे हो रहा था, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा था, एक्सक्रीशन कैसे हो रहा था, है ना, नर्वस सिस्टम है भी या नहीं है। अब आते हैं सिलेंट्रेटा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेरे साथ फटाफट बोलो, क्या था पहले बताओ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद बताओ सेगमेंटेशन नहीं था, नोटोकॉर्ड नहीं था, सिलोम था बट दे आर सिलोम प्रेजेंट नहीं है, ए सिलोमेट एनिमल्स है, जॉब लेयर्स डिप्लोब्लास्टिक था, जोग्लोबियस था, बॉडी प्लान कैसा था, तो इनका बॉडी प्लान लाइन सेट था, उसके बाद आता है हैबिटेट कैसा है, तो ये एक्वेटिक है लेकिन ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मरीन वाटर भी हो सकते हैं, इतनी चीजें क्लियर है। ये सेसाइल भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। पॉलिप क्या होता है, मेडुसा क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, और भी अक्सु, सारा कुछ आपको क्लियर होगा, एग्जाम्पल्स पूरे अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। तो आपको क्या करना है होमवर्क में, आपको लिखना है फाइनल टिनोफोरा। क्लियर, और आपको होमवर्क में क्या करना है, ये चीजें आपको करना है, आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन खुद से लिखना है, सिमेट्री, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, जॉन लेयर्स, उसके बाद लिखना है सिलोम, हैबिटेट मैं लिखवा दूंगी वो आपको नहीं लिखना है। क्लियर, तो इतनी चीजें आप लिख के लाओगे, फिर हम लोग टिनोफोरा बहुत छोटा फाइलम है वो तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टिनोफोरा कंप्लीट कर लेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऑलरेडी लिख के लाओगे तो 50% हमारा क्लियर है, बस 50% बचेगा वो मैं करा दूंगी आपको, और एनसीईआरटी करा के हम लोग प्लेटिनम से मूव कर जाएंगे। क्लियर, आज का लेक्चर यहीं तक, तब तक आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की कई बार रीडिंग लगानी है और नोट्स को कई बार पढ़ना है।